सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.4 का, एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। यूजिंग फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो यू हैव टू इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3। आपको सेकंड रो के बच्चों 4 फैक्टर्स की हेल्प लेनी। एक बात बताओ आप, सबसे पहले आप बच्चों बोर्ड पर देखना, आप 4 फैक्टर्स ऑफ सेकंड रो याद करो। सेकंड रो कौन सी है बच्चों? 201। ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? जल्दी बताओ, पोजीशन बताओ इसकी, 2-1। तो आप इसका को फैक्टर निकालोगे C21, राइट। C21 क्या होगा बच्चों? माइनस या प्लस? जल्दी बोलो। चोर मेथड, 2+1 क्या होगा? 3। ऑड या इवन? ऑड होगा तो माइनस साइन, इवन होगा तो प्लस साइन। एक्चुअल में क्या होता है? -1^3। -1^3 क्या होता है? माइनस। देखिए हम जल्दी करने के लिए हम ऐसे बच्चों को समझाते हैं, 2+1 3 और माइनस दे दो। तो यहाँ पर माइनस लगेगा, क्लियर। और साथ में यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? माइनर। इसको क्या बोलते हैं? माइनर। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, वीडियो सुनी थी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो क्या मिलेगा आपको? 3, 8, 2, 3। इसको सोल्व करते हैं, 3 × 3 -2 × 8 16, 9 − 16 -7, -minus प्लस C21 क्या हो गया? +7, क्लियर। ऐसे बच्चों मुझे C22 निकालना, तो C22 में प्लस या माइनस? प्लस। अब यहाँ पर आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आप 5, 8, 1, 3। चलिए सोल्व करते हैं, 5 × 3 = 15, -8 = 7। अब चलिए हम C23 करते हैं, C23 माइनस। अब बच्चों सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ऐसे आ जाते 5, 3, 1, 2। अब सोल्व करते हैं, 5 × 2 = 10, -3, -7, राइट। अब हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्सपेंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बोर्ड पर देखना, A21 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, A21 मतलब ये एलिमेंट, A21 × C21 इसका कोफैक्टर। आप एक्सपेंड कैसे करते थे याद करो, 5 लिखते थे, 5 के साथ इनटू में क्या करते थे आप? कोफैक्टर नहीं लिखते थे, 5 के साथ ये नहीं लिखते थे आप? फिर -3 के साथ फिर जो लिखते थे वो कोफैक्टर ही तो होता था। फिर प्लस में करवाता था यहाँ पर +8, फिर +8 के साथ जो आप लिखते थे वो कोफैक्टर ही तो होता था भाई, राइट। तो A21 × C21 + A22 × C22 + A23 × C23 ये होती है एक्सपेंशन। तो यूजिंग सेकंड रो का मतलब है यूजिंग सेकंड रो, राइट। अच्छा, अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना हो तो बनाकर दिखाओ कैसे बनाऊं। A11 × C12 A12 × C12 A13 × C13। अब A21 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। C21 की वैल्यू क्या है? 7। प्लस A22 की वैल्यू 0। C22 की वैल्यू, आवाज नहीं बच्चों, A23 की वैल्यू 8 है और -7 है, 7 × 14 और माइनस का 56 कितना हो गया बच्चों यहाँ पर? A23 1 है। अच्छा गलत है, A23 बच्चों क्या होगा? 1। तो -7 हो गया यहाँ पर, क्लियर, -7 और क्यों मिस्टेक, 14 − 7 = 7। कोई डाउट? आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया सभी को। अगर थर्ड रो से करना हुआ तो कर लोगे? मान लो आपके एग्जाम में आ जाता है यूजिंग थर्ड रो, तो क्या लिखोगे आप? A31 × C31, फिर A32 × C, बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस। ओके, गॉट इट, सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और करके बता रहा हूं, और करके बच्चों आप इसी क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3, तो अब यहां माइनस, पता चला माइनस क्यों दिया साइन मैंने? यहां पर कौन सा साइन होता है? ऑलवेज यहां पर कौन सा साइन होता है? प्लस। तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, तो वो प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस। यहाँ पर क्या होगा? प्लस। यहाँ पर क्या होगा? माइनस। यहाँ पर क्या होगा? अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो
तो अब देखो सेकंड रो से एक्सपेंड करना है, तो माइनस टू बताओ माइनस टू के साथ क्या लिखूंगा मैं, टू वाली रो पर हाथ रख दो, टू वाली कॉलम पर हाथ रख दो, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस सिक्सटीन, क्लियर। अब प्लस में जीरो इंटू समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब माइनस वन के साथ में क्या लिखूंगा, फाइव टू जा टेन, टेन माइनस थ्री, राइट। तो यहाँ पर माइनस टू, नाइन माइनस सिक्सटीन कितना हो गया माइनस सेवन, और माइनस सेवन ये कितना हो गया बच्चों प्लस का 14, और आंसर कितना आ गया 7। तो यूजिंग को फैक्टर्स, लेकिन एक्चुअल तरीका ये है जो मैंने पहले किया ना, दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि इसमें आपने को फैक्टर्स निकाल लिए, फिर टीचर को ये समझाया हमने कि हमने ऐसे किया है, ये शॉर्टकट है, ये पता है शॉर्टकट रास्ता है, दिस इज शॉर्टकट, ये जो एक्सपेंशन का रास्ता है ना, ये शॉर्टकट रास्ता है, ओके बच्चों, राइट। पर अच्छे टीचर्स नंबर नहीं काटते, यस बच्चों। अब बच्चों देखो आप एक्सरसाइज नेक्स्ट जो डाउट है 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें क्या प्रूव करना है कि पॉइंट्स है मेरे पास, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी प्लस सी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बी कॉमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं सी कॉमा ए प्लस बी, और ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है बच्चों, क्या है पॉइंट्स, ये कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट शुड बी जीरो। अब बच्चों ये बताओ 1/2 डिटरमिनेंट का साइन ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और यहाँ 1 1 1 एंड दैट शुड बी जीरो, 1/2 को उठा कर उधर ले जाओ, जीरो हो गया। अब बताओ आप क्या करना चाहते हो, बता तूने किस रो से एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से, मैं उसी से कर दूं, चलिए बच्चों फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, राइट बच्चों, प्लस माइनस प्लस, अच्छा प्रूव करना है, हाँ कोलिनियरिटी प्रूव करनी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो आना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, तो कोई बात नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूव दैट, ये Prove that area of triangle ABC is equal to zero. अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ बच्चों, LHS, मैं यहाँ LHS ले लेता हूँ, अब ठीक है LHS ले लिया मैंने। अब बच्चों expand करते हैं, 1/2 बाहर रखूंगा मैं, देखना बच्चों आप A, A के साथ बच्चों बताओ क्या आएगा, बैड कर दूं, अब तो बड़े हो गए हो, C plus A into 1 क्या होगा, C plus A, फिर minus A minus B, बस बच्चे यहाँ प्लस माइनस में गलती करते हैं। अब यहां से मैंने माइनस उठाऊंगा मैं, माइनस बी प्लस सी, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम राइट, और फर्स्ट रो पर और सेकंड कॉलम पर हाथ रख देते हैं, तो बी वन सी वन, तो बी इंटू वन क्या होगा, बी माइनस सी, अब प्लस वन के साथ, अब ऐसे हाथ रख दो बच्चों, तो अब बी को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से, इसको इससे करना है, तो क्या होगा बच्चों ये बी ए प्लस बी स्क्वायर, और अब आप इसको करना बच्चों माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, कोई डाउट, ठीक है क्लियर। अब बच्चों इंप्लाइज 1/2 यहां ए से ए कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करना ए इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट सोल्व कर दिए, और यहां पर प्लस का मेरे पास ए बी है, प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस का ए सी है, माइनस ए सी मैंने इससे उड़ा दिया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उड़ा दिया, और प्लस सी स्क्वायर मैंने माइनस सी स्क्वायर उड़ा दिया, प्लस ए बी मैंने माइनस ए बी उड़ा दिया, खत्म बच्चों, आंसर प्रूव, राइट। तो मिस्टेक्स होती है बच्चों से, यस बच्चों एक क्वेश्चन लिखा हूं मैं, आप मुझे करके दिखाओगे, अभी सभी बच्चे 0 tan x 1 1 minus sec x 0 sec x 0 tan x, this is independent of x, prove that this delta is independent of x का मीनिंग समझा दो मुझे, independent of x का मीनिंग समझा दो, जल्दी बताओ इसका मीनिंग क्या है, prove that this is independent of x, बताओ ना बच्चों फास्ट बच्चों, इसका मीनिंग क्या है यार, बताओ ना मुझे, एक्स पे डिपेंड नहीं करता, नहीं वो तो हिंदी करती, करना क्या है मैथ्स में ये बताओ मुझे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसको एक्सपेंड करोगे तुम क्या करोगे,
एक्सपेंड प्लस माइनस प्लस लेकर एक्सपेंड कर दो, ट्रिग्नोमेट्री टेंथ क्लास की उसका यूज करो, टेंथ क्लास की। आंसर में एक्स नहीं आना चाहिए, अगर आंसर में एक्स नहीं आया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कर सकते हो, यू आर स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। करो स्टार्ट करो जल्दी कर, दीक्षा बहुत अच्छी लड़की है तो। क्या बात है ट्विंकल, हाँ, हो गया। अभी टाइम चल रहा था ना इसलिए। स्टेटमेंट यस बच्चों, जिसको नहीं आता बोर्ड पर देख लो आप, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा प्लस माइनस प्लस लेकर जीरो इंटू समथिंग जीरो होगा माइनस टेन एक्स, टेन एक्स के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर हाथ रख दो। अब इसको एक्सपेंड करो वन इंटू टेन एक्स तो क्या आ जाएगा बच्चों टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू जीरो क्या होगा बच्चों जीरो, अब प्लस में वन लास्ट वाला वन, वन के साथ बच्चों ऐसे करो तो यहाँ पर जीरो और प्लस का सेक स्क्वायर एक्स आएगा। बस ये छोटा सा तो काम था बच्चों, माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया। और याद करो टेंथ क्लास बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन, आइडेंटिटी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक न्यू पेज से स्टार्ट करो, या अगर उसी पेज पर अगर करना चाहते हो तो लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स को आप हाईलाइट करो, बॉक्स में लिखो इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स आगे बच्चों वापिस अब मैट्रिक्स पे आगे डिटर्मिनेंट से, एक्चुअली दोनों भाई बहन है बच्चों, इस चैप्टर का पहले नाम था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मेरे टाइम पर भी समझ गए, मैंने भी अपने टाइम पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऐसे पढ़ा था, एक ही चैप्टर था ये तो सीबीएसई ने बाद में अलग कर दिया। मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आप उसको पैरेलल लाइंस पे लिखो और एक्सपेंड कर दो और उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मेरी बात समझ गए ना, आप सिंगुलर याद रख लो ना, सिंगुलर कब होती है बच्चों जब आंसर जीरो, और नॉन सिंगुलर कब होगी जब आंसर जीरो नहीं होगा, याद रहेगा। लिखना चाहो तो सारी बातें लिख लो जो जो मैंने बोली है। एक क्वेश्चन मुझे अभी करके देखो, इसके ऊपर देखो आप, अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर और मैट्रिक्स है तो मैं बिग ब्रैकेट लगाऊंगा, वन माइनस टू थ्री वन टू वन और एक्स टू माइनस थ्री, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैंने बोल दिया बच्चों कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। अपने आप आईक्यू लगाओ, अपने आप सोचो क्या करने है, ऊपर बॉक्स को देखते रहो, मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या स्टेप लोगे और एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे वो आप खुद सोचो, मैं हिंट देता हूँ बस, ठीक है। आप बच्चे जब इसको सोल्व करोगे तो अच्छे बच्चों ने मुझे बता दिया आंसर, वन माइनस टू थ्री वन टू वन, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों जीरो, मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब यहाँ पर एक्स प्लस वन आएगा, तभी तो आपका एक्स वैल्यू क्या आ रही है आपकी माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू तभी तो माइनस वन बोलोगे, आपको सोल्व करने पर एक्स प्लस वन नहीं आ रहा, एक्स प्लस वन आएगा ना, तभी तो आप एक्स वैल्यू माइनस वन बोलोगे, तो आप इसको एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड कर लेना, और जिस बच्चे का आंसर एक्स प्लस वन नहीं आ रहा आ गया, अगर किसी अच्छा किस बच्चे का आंसर एक्स प्लस वन नहीं आया लिखो बच्चों आप, एडज्वाइंट, एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको शॉर्टकट में बच्चों ए डी जे भी बोलते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए, इसका मतलब है एडज्वाइंट ऑफ ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एडज्वाइंट ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए। एक मैट्रिक्स का एडज्वाइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब सुनो करना क्या है, हम एक डिटर्मिनेंट के पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, पहले मैट्रिक्स होगी उसका सिंबल को मैं पैरेलल लाइंस पे चेंज करूंगा, फिर मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा, फिर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा, कैसे ईच एलिमेंट को मैं उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा, ईच एलिमेंट को उसके जहां ए11 है ना
वहां उसका को फैक्टर रख दूंगा ईच एलिमेंट, वहां सी वन वन रख दूंगा, जहां ए वन टू है वहां सी वन टू रख दूंगा, ईच एलिमेंट को मैं उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा, उसको बोलते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपोज क्या था बच्चों याद करो? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज, हम इंटरचेंज कर देंगे, मिल गया एडजॉइंट, उसको एडजॉइंट के बोलेंगे। समझ आ गया? डेफिनेशन क्लियर होगी? इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ओपन ए मैट्रिक्स लेते हैं ना, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स ले लो आप, 2 1 2 1 2 3 -1 2 -1। अब सबसे पहले आप इसको पैरेलल लाइंस में चेंज करो, सबसे पहले आप पैरेलल लाइंस में चेंज करो। कई बच्चे पैरेलल लाइंस में चेंज नहीं करते, सीधा सी वन वन निकालना शुरू कर देते हैं सीधा। ऐसा बच्चों मत करना, क्योंकि को फैक्टर्स होते हैं वो डिटर्मिनेंट के होते हैं, मैट्रिक्स के नहीं होते। ओके चलिए स्मार्ट बच्चे शुरू हो जाओ, मुझे सी वन वन ये सब निकाल कर दो, को फैक्टर्स ये सोचो जल्दी से, मुझे सभी को फैक्टर्स निकाल कर दो, सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर्स निकाल कर दो। एक हिंट दे दूं, वन वन प्लस हो जाएगा और टू इंटू माइनस वन माइनस टू और माइनस का सिक्स माइनस टू और माइनस सिक्स माइनस एट, तो सी वन वन आ गया माइनस एट। ऐसे जल्दी से करो सभी को फैक्टर्स निकालो, वो मुझे आंसर बताते रहे जो अच्छे अच्छे हैं। सी वन वन माइनस एट है, सी वन टू माइनस टू फोर फाइव फाइव जीरो माइनस फाइव माइनस वन माइनस फोर थ्री है थ्री थ्री। चलिए बच्चों राइट, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, हम यहां पर लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स ईच एलिमेट्रिक्स है तो बच्चों बिग ब्रैकेट, ईच एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दो। तो टू का को फैक्टर है बच्चों माइनस एट, फिर उसके बाद माइनस टू, फिर बच्चों फोर फाइव जीरो माइनस फाइव माइनस वन माइनस फोर और थ्री। ईच एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दो। रेडी बच्चों? अब इसका ट्रांसपोज करोगे आप, ट्रांसपोज तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए राइट, एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। माइनस एट माइनस टू फोर फाइव जीरो माइनस फाइव फाइव जीरो माइनस फाइव माइनस वन माइनस फोर थ्री। ओके क्लियर बच्चों? ये एडजॉइंट आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सबको स्टेप्स क्लियर हैं? अब मुझे क्या करना है, या अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम सभी बच्चे मुझे इसकी वैल्यू बता दो ना, अगर सभी बच्चे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो प्लस माइनस प्लस लेकर, क्या तुम सभी बच्चे इसकी वैल्यू बता सकते हो? सोल्व करना, पहली करके बैठ गए तुम, स्कूल में हो गया। चलो प्लस माइनस प्लस करके बाकी बच्चे एक्सपेंड करेंगे। मुझे देखो ये माइनस टेन आ रहा ही नहीं आ रहा, जल्दी बताओ एक्सपेंड करो। एक नया टॉपिक इसी के साथ साथ एक और टॉपिक हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करो बच्चों जल्दी से, चेक करो क्या ये बच्चे हमारे सही हैं। एक नया टॉपिक लिखेंगे और उसको बॉक्स में डाल के लिखना बच्चों, बॉक्स में इनवर्स इनवर्स बच्चों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों देखना, इनवर्स का सिंबल होता है ए इनवर्स, ऐसे ए इनवर्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए।
इधर बच्चों इधर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट इन ईयर फॉर्मूला। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां तक सारा काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कर दोगे इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चों, इसी मैट्रिक्स का मान लो मुझे इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वन बाय डिटर्मिनेंट ए का मतलब है उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का मतलब उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है माइनस टेन, तो आप यहाँ पर लगा दो माइनस टेन, और बच्चों यहाँ पर एडजॉइंट लिख दो, ये वाला एडजॉइंट ए माइनस एट फाइव माइनस वन माइनस टू जीरो माइनस फोर फोर माइनस फाइव थ्री, ये करके छोड़ दो, ये आपका आंसर है, ये ए इनवर्स आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ बच्चे कहते हैं सर माइनस टेन को अंदर ले जाएं, भाई क्या करना है, पढ़ा रहे तो नहीं पर भारी, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, ए इनवर्स आ गया। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गया सभी को, बोलो। तो यहां तक आप जल्दी से नोट कर लो, प्योर नई नई बातें करेंगे, जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी बातें करनी है हमें, फास्ट बच्चों फास्ट। जिन बच्चों को प्रोडक्ट आते हैं वो क्या करेंगे, सुन लो इधर इधर भाई इधर, A इंटू ए इनवर्स I होता है, क्या बोला है मैंने, A इंटू ए इनवर्स क्या होता है I, A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, A इंटू ए इनवर्स I होता है बच्चों, A इंटू ए इनवर्स I, बोलो I, 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 I याद है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टू बाय टू की क्या थी वन जीरो जीरो वन, थ्री बाय थ्री में क्या थी, यस, ए इंटू इनवर्स क्या होता है आई। अच्छा ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए भी आई होगा बच्चों, ए इंटू इनवर्स भी आई होता है, ए इनवर्स पहले कर दो, ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है, तो इसको बॉक्स में डालो आप सभी। अब तुम समझ गए होंगे कि मैं तुमसे क्या करवाने वाला हूं, समझ गए बच्चों, नहीं नहीं समझ जाओ, इधर सुनो इधर सुनो, ये ए मैट्रिक्स है, अरे सोम क्यों प्लेट कर रहे, इधर देख ना का, इधर सुन लो बच्चों, ए मैट्रिक्स मैंने तुम्हें दे दी है, प्रूव दैट, प्रूव दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल कर उसको इससे मल्टीप्लाई करके प्रूव करके दिखाओ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इनवर्स निकाल दिया ना, निकाल दिया ना, तो क्या करना चाहते हो अब इसके बाद, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेटे, क्या हो गया, एलएचएस लो, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कौन सी है बच्चों, टू वन टू वन टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन, ए इनवर्स तुमने क्या निकाला बच्चों, माइनस वन बाय टेन को बाहर रख दो, यहां रख दो, माइनस वन बाय टेन बाहर रख दो बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, बोर्ड पर देखो जिसको नहीं अकल, इधर देखो, अब ए इंटू इनवर्स हो गया, माइनस वन बटे मैंने बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा आंसर कौन बताएगा क्या आना चाहिए, चलो देखते हैं आईक्यू, देखते हैं बच्चों किसकी पास कितनी आईक्यू है, तुम्हारे में से मुझे कौन बताएगा, हाथ खड़े करो कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह, श्योर नहीं, यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, नहीं क्या आना चाहिए बता, नहीं 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 क्या आना चाहिए, टेन या माइनस टेन, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि इस माइनस टेन से डिवाइड करोगे ना भाई तभी तो वन आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, जीरो जीरो माइनस टेन, भी जीरो 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 माइनस टेन, एग्री बच्चो, क्लियर, ये आना चाहिए, करो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, मैं चेक करूंगा मैं ऐसे नहीं, हाँ यस बच्चों रेडी, देखना बच्चों आप, सेम क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, प्रूव दैट ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू आई, ये फॉर्मूला है बच्चों, ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू आई, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है, फॉर्मूला याद करना है बच्चों, लर्न, रट्टा लगाओ इसका, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक
कैसे अभी बताऊंगा मैं ये सब कैसे होता है। अच्छा बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं कैसे। बच्चों आप LHS ले लो, आप पहले LHS लो, A मैट्रिक्स को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करो। A मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 2 1 2 1 2 3 करो बच्चों, अब करना पड़ेगा तुम्हें मल्टीप्लाई। एडजॉइंट A क्या है बच्चों हमारे पास, एडजॉइंट A -8 5 -1 -2 0 -4 और 4 -5 3 जल्दी से मल्टीप्लाई करो, करना बच्चों मल्टीप्लाई। इन दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई करो। देखना बच्चों आप जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सब बच्चों को पता था कि यहाँ पर -10 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -10, यहाँ पर 0, यहाँ -10। अच्छा याद है बच्चों मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि हम मैट्रिक्स को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहे। अगर सभी एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब जगह मल्टीप्लाई होता है, तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो सभी में से बाहर आएगा आना चाहिए। मान लो एक मैट्रिक्स में तुम 2 कॉमन लेना चाहते हो तो आप ये नहीं कर सकते एक रो में से बाहर निकाल लो ना, आप सभी एलिमेंट में से 2 बाहर निकालोगे। अगर आप -10 बाहर लेना चाहते हो तो सभी में से बाहर आना चाहिए, राइट। तो चलिए जल्दी से बच्चों -10 बाहर ले लो, -10 बाहर ले लो, कॉमन ले लो बच्चों -10। तो LHS मेरी चल रही है बच्चों LHS, -10 बाहर ले लो तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और -10 क्या चीज है बच्चों, -10 को बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट A, वैल्यू थी ना डिटर्मिनेंट A की, इसको बोल सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तुम्हारी RHS आ गई, तुमने प्रूव कर दिया इस फॉर्मूले को A into adjoint A is equal to determinant A into I, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कर लो। अब आप देखो आप बोर्ड पर देखना बच्चों आप A inverse का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कौन सुनाएगा मुझे? A inverse is equal to adjoint A upon inverse is equal to adjoint A upon cross multiply, cross multiply कर दो। Determinant A into A inverse is equal to adjoint A, बोलो multiply both side by A, A matrix multiply by A, A matrix से आप multiply कर दो, A matrix से आप multiply कर दो बच्चों, right? और मैंने आपको बताया था A into A inverse क्या होता है बच्चों, I, तो determinant A into ये क्या बन गया बच्चों I is equal to A into adjoint A, clear? तो ऐसे ही ये formula तैयार हुआ, A into adjoint A is equal to determinant A into I, clear? ये सारी बातें नोट कर लो जैसे मैंने की है। कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान से बच्चों आप ना एक हाईलाइट करो उस चीज को, बॉक्स रेड बॉक्स बना लेना, रेड बॉक्स पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर्मूले से जो आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी होल इनवर्स याद है? नहीं वो डैश था ट्रांसपोज वाला, ए बी डैश इज इक्वल टू क्या था बी डैश ए डैश, तो ए बी होल इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होते हैं, बी इनवर्स पहले आएगा ए इनवर्स बाद में आएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, याद करना रखना बी इनवर्स पहले आएगा। उसके बाद बच्चों इनवर्स ऑफ इनवर्स बच्चों ए हो जाएगा, ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकालोगे तो ए हो जाएगा। तीसरा बच्चों आपने अभी पढ़ा ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट आई, सो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और ए इंटू ए इनवर्स
इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। नोट कर लो सारा। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और फिर उसका इनवर्स निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू, पहले आप इनवर्स निकाल दो बाद में ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। इसका मतलब देखो आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं RHS वैल्यू निकालने को किसी क्वेश्चन में, फाइंड ए इनवर्स होल ट्रांसपोज, तो आप पहले इनवर्स निकाल लो बाद में ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज और कॉलम्स के इंटरचेंज, या आप पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में इनवर्स निकाल लो। उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, चलो आप मुझे स्टेप्स बताओ किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का पहला स्टेप क्या होता है, जल्दी बताओ। पहले हम पहले एक्सप्लेन कर लो, पहले वैल्यू निकाल लो, जैसे माइनस 10 निकाली थी, पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो, इवेल्युएट कर लो, एक्सपेंड कर लो किसी भी रो से, ओके। उसके बाद को फैक्टर्स निकालो, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ई। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ई, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ई, ठीक है। ये नोट कर लोगे बच्चों सारा। नेक्स्ट बच्चों एक और लिखो आप, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर आपसे ये पूछेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो आप, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, जैसे मान लो मैंने आपसे ये बोला एक मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए निकालना सिखाया है, उसका फिर डिटरमिनेंट निकालो तो उसको फिर आप एक्सपेंड करोगे ना। इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, आप एडजॉइंट ए निकालोगे उसका फिर डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, फिर एक्सपेंड करोगे। उससे अच्छा अगर बच्चों को फॉर्मूला याद है, बच्चा क्या करेगा, डिटरमिनेंट अभी तुमने माइनस 10 निकाला था ना, यहां लिख दोगे माइनस 10 और ऊपर एन माइनस 1। एन क्या है पता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो 3/3 होगा या 2/2 होगा, तो n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 3/3 है तो n की वैल्यू क्या लोगे 3, अगर 2/2 है तो n की वैल्यू क्या लोगे 2। तो लिखो वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट डाउन वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और फॉर्मूला बता देता हूं, लिखो आप एट बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, बताओ इसका मीनिंग कौन समझाएगा मुझे ये फॉर्मूला प्रूव करने को आ जाता है तो बताओ LHS का मतलब क्या है, LHS का मतलब समझा दो। पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, पता है ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं 2/2 में आते हैं, 3/3 में नहीं देते, बहुत बड़े हो जाएंगे ना 3/3 में, भाई को फैक्टर्स कहां से निकालते रहोगे आप, 2/2 में देंगे। तो पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद फिर उसका एडजॉइंट निकालोगे, को फैक्टर्स वगैरह निकाल कर RHS में क्या करोगे, पहले बी मैट्रिक्स का क्या निकालोगे एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, फिर मल्टीप्लाई, पर पहले बी वाली मैट्रिक्स लेफ्ट में लिखोगी, ए वाली राइट में लिखोगे। याद रहेंगे फॉर्मूलेस, नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा मैं, ओके। यस, बंद नहीं करना, नहीं मैं आपको अगर चोर मेथड बता दूं, इधर देखना बच्चों आप, चोर मेथड, ए मैट्रिक्स है बच्चों 3 1 4 5, इधर सुनो, ए मैट्रिक्स है, आप पहले डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा, 5 3 15 माइनस कितना हो गया। अब चोर मेथड से डायरेक्ट आप एडजॉइंट लिख सकते हो, कैसे, सभी की नजर बोर्ड पर, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, इन दोनों के, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं -1 और एडजॉइंट कर, फिर दोबारा लिख लो 2/2 में, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, याद रहेगा राइट पर्वत। चलो अब आप मुझे जल्दी से हाथ खड़े करना,
मैंने यहां पर लिख दिया भौमिक, भौमिक बेटे जल्दी से मुझे बता कि एडजॉइंट क्या होगा? सिक्स माइनस थ्री, यहाँ अच्छा, और ऊपर माइनस सेवन, हाँ, और नीचे वन। वेरी गुड बेटे, ठीक है, राइट, समझ आ गया। तो इन दोनों को हमने क्या करने है, इंटरचेंज, और इन दोनों की साइन चेंज। कहानी खत्म, समझ आ गया ना कैसे चोर मेथड से मिनट निकाला। तो सोचो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा तो ये तो चुटकियों में हो गया, ये कर लिया सर, जल्दी से कर लिया। मार्क्स स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है, दो नंबर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कर सकते। ये सोचो नाइन्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसे थोड़ी होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसे होगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट, ये नाइन्थ फॉर्म है। अच्छा बताए एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ, डेट डीईटी डेट ऐसे लिखा हुआ, डेट ऑफ ए, डेट ऑफ इनवर्स, डेट ऑफ इनवर्स लिखा हुआ ऐसे, समझ गए? तो डेट को ना डिटरमिनेंट, समझ गए ना? बच्चे फोन पूछते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पूछते हैं सर ये क्या है।